तो एक के बाद एक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है। तो गिरफ्त में सिद्धू के हत्यारे। जी हां, सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर कोई आम प्लानिंग नहीं की गई थी। मूसेवाला के मर्डर के लिए ग्रेनेड तक का इंतजाम करके रखा गया था और इसके साथ ही बड़ी प्लानिंग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़े ही हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस दिन से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस दिन से कई राज्यों की पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ मूसेवाला के हत्यारों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में वैसे तो अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है उनका सीधा कनेक्शन मूसेवाला की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दो मुख्य शूटरों समेत उनके मॉड्यूल हेड को गिरफ्तार किया है। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहां पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीन उसमें से जो हमारा वो था कि तीन शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा मन्नू और प्रियव्रत फौजी। आपको बता दें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी 19 जून को गुजरात के मुद्रा पोर्ट के पास से हुई। वहीं आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड लॉन्चर 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी बरामद हुए। गिरफ्तार हुए दो शार्प शूटरों में से ये हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है, जिसका नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी है, जो की गढ़ी सुसाना गाँव का रहने वाला है। जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है जो इंसिडेंट में यूज हुई है वो AKK सीरीज की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ये खुलासा भी किया कि शूटरों के पास से ना सिर्फ AK सीरीज की बंदूकें थी बल्कि शूटरों के पास ग्रेनेड भी थे। अगर बंदूक शूटरों के काम नहीं आती तो मूसेवाला की हत्या की वारदात को ग्रेनेड के जरिए अंजाम दिया जाता। अब दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के बाद से एक बात तो साफ है कि मूसेवाला की हत्या को लेकर प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। हालांकि मूसेवाला के हत्यारों ने बड़े ही चालाकी से इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस कुछ ही हफ्तों में मर्डर केस सॉल्व करने की ओर बढ़ चुकी है। हालांकि इस केस की अभी कई कड़ियां खुलना बाकी है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी काफी समय पहले ही अपने घर से बाहर था। सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना का रहने वाला प्रियव्रत फौज की नौकरी छोड़ अपराध की दुनिया में उतरा था। उसकी मां से हमारे संवाददाता नितिन अंतिल ने बातचीत की है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जब आइडेंटिफाई होने शुरू हुए, नाम आने शुरू हुए, सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना के रहने वाले प्रियव्रत उर्फ फौजी का नाम सामने आया, और उसके बाद हालांकि तीन नाम और सामने आए जिनमें मोनू रेवली, मंजीत और अंकित भी हैं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्रियव्रत उर्फ फौजी का नाम सामने आया। मौजूदगी उसी के घर पर है। आप देख सकते हैं कि प्रियव्रत का यह घर है। इतने अच्छे समृद्ध परिवार से प्रियव्रत नहीं था। प्रियव्रत पिछले 2 साल से अपने घर भी नहीं आया है
और वह अपने परिवार से कोई नाता भी नहीं रख रहा था और इतने गरीब परिवार के होने के बाद उसने स्पोर्ट्स कोटे से फौजी की नौकरी हासिल की थी। पुणे में उसने 2 से 2.5 साल नौकरी की है और उसके बाद वह बगैर किसी वजह के नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया था। सबसे पहले जुलाई 2015 में सोनीपत के रुखी गांव के रहने वाले ही एक युवक की हत्या की थी और उनकी माता जी हमारे साथ संतोष जी प्रियव्रत को हत्या उसने कर दी थी, नौकरी छोड़ दी थी पहलवानी के बाद। कितनी उम्र में पहलवानी करने लग गया और कब नौकरी लग गया था? जी वो पांचवी छठी में थर्ड है, फिर पांचवी मुड़ दाखला मिल गया था जी, दसवीं पास वहां ही करी थी पुना है, फिर नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिल गई थी, उन्होंने कह दी थी पेपर पेपर दवा दो भाई, बालक से बुद्धि खराब ना होगी भाई, तनख्वाह मिलने लग जाएगी, इसने लो पड़ जाएगा जी। फिर वो डटे आए ना, छोड़ दी घर वापिस आया था। हाँ घर आकर ना फिर वो अनन पोतर गया। कोई कारण बताया उसने? कुछ है कुछ नहीं बताया जी उसने, कोई कारण नहीं। नशा करता था ना, जब लोग नशा भी ना करा था, पाछे करया हो तो उन्हें बेरा ना बाहर लकड़े पाछे, पर वो मान्या को ना, हमने मारे खूब उसके, समझाया खूब, क्योंकि मामा ने भी समझाया, हमने भी समझाया, ना मान्या जी। संतोष जी उसने 2015 में हत्या की वारदात की थी, उसके बाद वो जेल में कितने दिन रहा? वो जी वो 3 साल रहा था मेरे ख्याल में, जमानत हो गई थी। जमानत हुई उसके बाद घर रहा। फिर उसने एक और कांड किया। हाँ फिर वो भी टू लड़का होया, वो फिर जो पाछा फिर आया ना, उसके पिता की हत्या की थी। हाँ उसके बाद फरार है, फरार है, ना फोन ना आया ना गांव में, तारीख तुरी तारीख पर जो जहाँ है ये बाबू जमाने से ले रहे हैं, इवन के भी यू कह गए वो भरो जरमा नाम कितना भरा जी, खाना मारा दाने भी को ना देख लो आप, ये कितना ले आवा। आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी? 2 साल पहले। क्या कह के गया था? कुछ नहीं कह गया, वो मारे कूटे थे जब भजा था, मार कूट का होया ना, जब पास से हमारी ना बात हुई ना वो आया ना होगा, कोई मतलब तालुकात नहीं हुआ। अब पुलिस आ रही है, क्या कहती है पुलिस? यूँ कह रही है भाई तुम नवेरा है, तुम फोन नंबर दो, और फिर उस पर छोटे छोरे का ही मांगा है जीव, हम कितना नंबर मार देवा बता। आपको नहीं पता चला इतनी बड़ी गैंग से लोर्च बिछन हुई, संपत्ति नहीं रहा, इतने बड़े बड़े गैंगस्टरों से वो जुड़ गया, कभी कोई कॉल आई हो घर पे या कभी कोई मिलने आया? ना जी कोई मिलने नहीं आया, हमारे दौर मार नहीं आया, चाहे हम मरे चाहे हम जियो, हमारे दौर आया ही नहीं, नहीं कोई फोन पत्री कुछ नहीं, हम झूठ नहीं बोला जी कति। तो कहीं ना कहीं उनकी माँ का ये कहना है कि जब नौकरी छोड़ी तो उसके बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर बरोना गांव में अजर बिट्टू के पिता की हत्या की, उसकी पिटाई घर वालों ने की और उसके बाद 2 साल पहले वो घर से फरार हो गया था। अब के बाद फौजी ना घर आया ना अपने माता पिता से कोई बात की और अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में फौजी का नाम सामने आ रहा है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि फौजी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस या हरियाणा पुलिस कब तक करती है और उसके बाद क्या कुछ और खुलासे फौजी के जरिए होते हैं। सोनीपत से नितिन आंतिल, खबरें अभी तक। शूटर जिनकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है, कौन है प्रियव्रत ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में यहां पर गोली चलाई थी। सोनीपत के गांव सिसाना का रहने वाला है प्रियव्रत, और कुछ देर पहले आप उसकी मां को भी सुन रहे थे। खेल कोटा से फौज में भर्ती हुआ था प्रियव्रत, आर्मी में था, आर्मी की नौकरी इसने छोड़ दी थी, जल्द ही नौकरी छोड़कर वो घर वापस आ गया था, पुणे में नौकरी छोड़ रही थी, काफी गरीब परिवार से है और जुर्म की दुनिया में प्रियव्रत ने आर्मी छोड़ने के बाद कदम रखा। तो कौन है प्रियव्रत और फौजी जिसकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है? छोटे छोटे क्राइम करने के बाद बड़े क्राइम को अंजाम देने लगा प्रियव्रत। सबसे पहले मामला सामने आया था जहां पर उसने एक युवक की हत्या की थी, सोनीपत के गांव सिसाना का रहने वाला है प्रियव्रत, जिसका नाम अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आ रहा है।